गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और यहाँ पर मेरी बन रही है शाही पनीर की सब्ज़ी और तंदूर की रोटी। तो शाही पनीर की सब्ज़ी मेरी बनने वाली है, मतलब बना ली है मैंने, और वो मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पहले वीडियो में भी मैंने डाल रखी है अपनी शाही पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पर दिखाऊँगी फिर तंदूर की रोटी आज मैं, तो देखती हूँ कैसे बनती है। वैसे आती नहीं है मुझे बनाना, सादा सिंपल सी आती है बस, ऐसी चकले बेलने वाली, वैसे नहीं आती तंदूर वाली एकदम। तो ट्राई करूँगी, अगर बनाने की कोशिश करूँगी, बन जाएगी तो, नहीं बनेगी तो फिर अपने वैसे ही खा लेंगे जैसे हम खाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी हो गई है भाई, बन भी गई है थोड़ी, नहीं भी बनी है थोड़ी सी, अभी कसर रह गई है बनने में, तो मैं अभी थोड़ी सी और पकाऊँगी इसे भी। हल्का हल्का पानी सा रह गया है सब्ज़ी में, ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए और पकाऊँगी, बस बन गई सब्ज़ी तैयार है मेरी। इधर मैं रोटी सेक कर फिर उधर सब्ज़ी बन जाएगी, तो ठीक तो बन गई है वैसे देखने में। और सब्ज़ी को रख देती हूँ दूसरी गैस पे, तो रोटियां बनाने की तैयारी करते हैं सबसे पहले। और यहाँ हो जाता है देखो, तवे पे हो जाता है ना, तवे पे मांझ के रखते हैं तो थोड़ी काई सी लग जाती है उसमें ईंट का पत्थर का, तो साफ़ किया है मैंने ये। और यहाँ पर बेल लिया है मैंने पहले चकले पर, हाथ से नहीं हुआ फिर वो, तो मैंने चकले पे बेल कर इसमें थोड़े से धनिया डाल दिए हल्के से। और धनिया पत्ती मुझे पहले ही डालना चाहिए था बेलने से पहले ही, फिर मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अब लगा देते हैं। और इधर दूसरी साइड लगा दिया है मैंने पानी, और पानी मैंने इसलिए लगाया है ताकि वो तवे पे चिपक जाए अच्छे तरीके से, फिर वो सीखने में आराम हो। मैंने कहा कि तो दूसरी तरीके से सीखूँगी मैं, और जब तक वो सीखती है तो मैंने काट लिया यहाँ पर प्याज। और नकुल बार बार इंतज़ार कर रहा है कि कब बनेगी कब बनेगी, और मैंने दूसरे तरीके से सेकने की कोशिश की लेकिन नहीं, वो तवे पे तो छूट गई थी, तो चलो मैंने कहा ऐसे ही सेक लेते हैं चिमटे से। वैसे मेरा मन ऐसा था कि तवे पे चिपकी रहे और मैं सेक लूँ तवा पलट कर, ऐसा हो नहीं पाया था। तो यहाँ पर बन गई है मेरी रोटी, प्याज भी कट गई है, तो चलो सब्ज़ी भी अभी बनने में थोड़ी सी रह गई है तो आप सब भी खा लीजिए। तो मैंने कहा पहले मैं नकुल को दे देती हूँ बनाने खाने के लिए, उसे जल्दी हो रही है तो उसे दे दिए मैंने खाने के लिए। होता है ना टाइम बच्चों की, जब मनपसंद कोई चीज़ बनती है तो अच्छी लगती है उसे खाने के लिए, मन भी करता है भाई कब बनेगी कब बनेगी। और बर्थडे किसी और का है या मनपसंद किसी और की बनी है, तो केशव का बर्थडे है, पसंद की बनी है नकुल की, नकुल को बहुत पसंद है ये, तो इसलिए नकुल की मनपसंद सब्ज़ी बनी है। और पहले मैं सब्ज़ी में धनिया डालना भूल गई, अब याद आया है तो मैं डालने भी गई हूँ दूसरी में। और यहाँ पे देखो लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा भी हो जाए दोबारा भी हो जाए, लेकिन छूट गई वो भी, छूट गई नहीं रुकी वो। लेकिन ये जब मैंने तीसरी रोटी बनाई थी वो अच्छी बन गई थी, वो छूटी नहीं थी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मेरे खाना पीना मेरा बन गया है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े धो रही हूँ मैं यहाँ पर, और मन नहीं था आज कपड़े धोने का, लेकिन देखा था बहुत सारे हो गए तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। और ये वाला चादर इतना भारी है, मन नहीं करता इसे धोने का, फिर ऐसा लगता है मशीन लग जाती तो इसे भी धो लो, उस वाले कपड़े को भी धो लो, कभी ये भी रह गए तो इसे भी धो दो, ऐसे ही मन करता है मेरा, तो भी मशीन लगा लेती हूँ जब मैं। और मशीन नहीं लगा देती तो ऐसा लगता चलो इसे बाद में धोंगी, इसे बाद में धोंगी मैं, ऐसा करता है मन। तो चादर तो मन नहीं करता भाई धोने का, बेड शीट का, तो मैंने कहा चलो धो ही देते हैं फिर। तो आज तो भाई बहुत देर हो गई मुझे काम को, सच में बहुत ही देर। वैसे मैं ये कहती हूँ कि 11 बजे जल्दी फ्री हो जाती हूँ, आज टाइम हो गया है मुझे भाई बहुत टाइम, देखिए कितना हो रहा है अभी, ये देखिए 11:30 हो रहे हैं टाइम, और अभी काम नहीं निपटा भी देगा, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, रोटी भी नहीं बनी, मतलब बना के बच्चों को खिला दिए, मतलब ऐसे बना के नहीं रखी है कि भाई बना के रख दो, वो नहीं हुआ है अभी, सिर्फ सब्ज़ी और बच्चों ने खा ली है, इन्होंने भी बस अभी ऐसी खाई थी एक आधी बस ऐसी कुछ, और मैंने भी नहीं खाई है, तो देर हो गई आज काम को बहुत। कहते हैं ना कि जब आदमी घर में हो तो भाई काम को देर होनी होनी है, मेरे घर तो भाई यही होता है कि जब देर हो जाती है आदमी घर पे हो तो देर तो होती है काम के लिए, क्या हुआ, और ये होते हैं तो मेरा बता के काम देर होता है भाई सच में। वैसे हाँ अब वो लोग कुछ लोग कहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा था अभी तब भी तो घर पर थे, तब थे लेकिन जब नहीं होता था, क्योंकि पता है क्या होता था कि ये चाय नाश्ता करके अपने, या तो हमारे एक सबसे नीचे एक गोदाम सा बन रहा है, सब लोग उसमें बैठ जाते थे टाइम पास कर लेते, या किसी कमरे में जा कर के किसी के पास भी जाकर टाइम पास कर लेते थे, भाइयों के पास में बैठ के कर लेते थे। और आज गिननी चाहिए बैठा, तो आज तो भाई नहीं गए कहीं भी तो घर पर ही रहे आज टाइम,
पता तो चला लेकिन काम पड़ा हुआ है भाई बहुत ही ज़्यादा मेरा। तो देखती हूँ भाई कब तक फ्री होती हूँ। और आज केशव का है बर्थडे, वो तो तैयार होके घूम रहा है और एक जोड़ी कपड़े तो उसने भिगा भी लिए, दूसरे बनाया मैंने। और देखते हैं भाई केक का तो पता नहीं, अभी शाम को वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, नहीं कटेगा क्योंकि ये भी मना कर रहे थे कि रहने दे अगली साल, मतलब पाँचवीं में काट लियो। मैंने कहा चलो देखते हैं फिर क्या होता है शाम को, कटता है या नहीं। पर लेकिन बर्थडे केशव का है और मनपसंद खाना बनाए नकुल का। नकुल को बहुत पसंद है शाही पनीर, तंदूर की रोटी बहुत पसंद है उसे। पर लेकिन केशव को भी पसंद, केशव ने भी खाया है आज, खाया है पहली बार उसने। पहली बार तो नहीं खाया तो बहुत बार है, लेकिन आज उसने मन लगा के खाया है खाना। ये वो उसने खुद मांगा है कि भूख लगी है खाना, दी रोटी दे दो। तो मैंने कहा ला रही हूँ, तो उसने आज मन आग होता है ना बच्चा का, मन होता है जब पेट भर के खाता है, आज वही किया उसने। और लेकिन पसंद नकुल का है, मन पसंद का नकुल का है। तो मैं यही कह रही थी बर्थडे किसी और का है, मन पसंद खाना किसी और का बन रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने, मतलब कि जैसे कि चाउमीन समोसे भटूरा ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ शाही पनीर और तंदूर की रोटी बनाई है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पहले अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती है। तो मैं अपने लिए देखती हूँ क्या बनता है मेरे लिए, अभी तो मैं उसी से काम चला लूँगी, फिर शाम को देखूँगी मैं अपने लिए कुछ, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो देखते हो। दलिया भी बनाया है वैसे मैंने, और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि जब दलिया आप बनाओ तो दिखाना, वो मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो चार्जिंग पर लगा था। तो मैंने कहा किसी दिन दिखाऊंगी, फिर पर्सनली दिखाऊंगी, तो फिर किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है ना। अभी समझ में भी शायद नहीं भी आता, जल्दी जल्दी होता तो वीडियो भी वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, मेरी वीडियो छोटी सी रहे बस ये। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। मशीन लगी हुई है मेरी यहाँ, तीन दिन से रोज डेली मशीन लग रही है मेरी, कल भी लगी थी, परसों भी लगी थी और आज भी लग गई है। हाथों से मन नहीं कर रहा काम, बर्तन वो कपड़े धोने का, बर्तन कपड़े धोने का हाथों से मन नहीं कर रहा है। और मौसम हो गया है बहुत अच्छा, सही में धूप चली गई है बिल्कुल और मौसम अच्छा हो गया है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपनी, जब तक फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ काम निपटाने के बाद। तो अभी दिखाया मैंने टाइम, 11:30 हो रहे हैं, अब दिखाऊंगी टाइम कितनी जल्दी काम निपटा पाती हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए भाई जब तक के लिए बाय बाय, बाद में मिलती हूँ। और कपड़े यहाँ पर धुल गए हैं मेरे, बर्तन भी साफ़ हो गए होंगे, तो यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ कपड़े, पानी निकाल देती हूँ मशीन का। और नकुल वीडियो बना रहा है मेरी, तो देखो कैसे हिला भी रहा है, उसे बनाने भी नहीं आई सही से। और मशीन को मैं हमेशा पोंछ कर साफ़ करके ही रखती हूँ बिल्कुल, ताकि पानी ना रहे उसमें, जल्दी ख़राब ना हो इसलिए। आज केशव का क्या है आज, क्या क्या है, अपडे बर्थडे क्या है, अपडे उल्टा बर्थडे है, बर्थडे क्या है, अपडे। तू अपडे बनाएगा, मनाएगा कैसे, मनाते हैं ऐसे ऐसे काट के, अपडे बनाएगा, रहने तो मनाएगा। चलो मना लेना, अपटे मना लेना तुम पहले, ठीक है। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा पहले बता, क्या बनाया आज तेरा, क्या है आज, जल्दी बताओ। अपटे आज के सबका अपडे भाई, आज के सबका बर्थडे है, अपडे नहीं है बर्थडे है ना, हाँ जन्मदिन है आज के सबका, अपडे हाँ अपडे, देख लो भाई अपडे अपडे है ना, हाँ देख लो भाई इतना छोटा सा है और देखो ऐसा जिद कर रहा है बर्थडे बनाने के लिए। और जो हम थे छोटे छोटे तो मना लो तो ठीक है, नहीं मना लो तो ठीक है, तो थप्पड़ पड़ते थे तो होती ही नहीं थी मन की। और इनको देखो थोड़ा सा रोए ना कि हाँ मनाएंगे मनाएंगे बर्थडे, ठीक है। इतने छोटे से बच्चे को समझ है कि अपडे, इनका भैया आज बर्थडे, आज इनका केक कटेगा, कैसे कैसे कटेगा केक, अपटे 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 ऐसे भैया अपटे अपटे बनेगा इसका। आजकल के बच्चे इतने भाई चालू है, इतने कंप्यूटर के बने बनाए हैं सच में, कोई भी चीज़ अगर इन्हें बता दो कि आज केशव का ये आज उसका ये, याद तो ऐसे रखते हैं। और इतना याद पता है पढ़ाई लिखाई नहीं होगी जितना याद इनके काम की जो होगी, खिलौने की बात हो या इनके बर्थडे की बात हो या किसी और की बात हो,
वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से बात याद रहती है बच्चों को। तो चलिए फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो आखिरकार केशव का बर्थडे मन ही गया और यहाँ पर सब बच्चे बहुत खुश हैं, सच में बहुत। और मैंने केशव को कोई नए कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, तो इसलिए नहीं पहनाए। और मैंने भी साड़ी पहन रखी थी सुबह, और नहाकर धोकर मैंने भी अपनी लोअर टी शर्ट पहन ली है। कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, गर्मी इतनी हो रही थी तो कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और हमारे यहाँ पर बहनें टीका करती हैं जिसका बर्थडे होता है, तो केशव का भी टीका होगा, तानिया करेंगी टीका केशव के। तो मैं यहाँ पर कुछ सामान उठा उठा के दे रही थी, जैसे कि माचिस मोमबत्ती जलाने के लिए कुछ कुछ सामान रह गया था, और मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का सच में। और खाना पीना हमारा हो गया, उसके बाद ही केक काटा था मैंने। खाना पीना खा कर नहा धो कर केशव का बर्थडे बन गया है, तो चलो आप सब भी खा लीजिए। केशव बर्थडे का केक नहीं खिलाओगे सबको? खिला दो अपना से, खिला दो ये तो खा लो। ये लो खा लो, खा लो केक। केक नहीं खाएगा? खाएगा नहीं? हाँ खा ले तो खा ले। एक चम्मच लेना गुलजा। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। और गुड नाइट, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। हाँ टीका लग गया, टीका दिखा रहा है अपना। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं।